वेलकम टू ब्रेन चॉप हिंदी। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक सॉन्ग पे, लगा दिल। सो आप जानते ही हो कि हम आर्टिस्ट के नाम बिल्कुल भी सही तरह से कह नहीं पाते कभी, प्रोनंसिएशन रॉन्ग होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वी आर गोइंग टू ट्राई एनीवेज। बुरा मत मानना, सज्जाद अली मोस्ट प्रोबेबली आपको टाइटल में वैसे भी दिख गया होगा, सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू इट। और काफ़ी पॉपुलर सॉन्ग है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि बहुत सारे व्यूज है एंड हमारे पेट्रियन पर एक सपोर्टर ने इसे रिक्वेस्ट किया है, सैयद अली। तो ये गाने का जो रिएक्शन है उनको पूरी तरह से डेडिकेटेड है, बट आप लोग भी एंजॉय कर पाओगे। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। या डेफिनेटली। मुझे ब्रिक्स के लगाया दिल बहुत, पर दिल लगाने लगाया दिल बहुत, दिल लगाने तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत, पर दिल लगाने जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जमाने भर की बातें उनसे कह दी, जो कहना चाहिए था वो कहानी, जो कहना चाहिए था वो कहानी। लगाया दिल बहुत, पर दिल लगाने वो सच में प्यार था या बचपना था, वो सच में प्यार था या बचपना था, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं, मोहब्बत हो गई थी क्या पता नहीं। लगाया दिल बहुत, पर मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो मुझको लग रहा था प्यार मेरा, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं, वो जैसा लग रहा था वैसा था नहीं। लगाया दिल बहुत, पर दिल लगाने हंसाने, मगर हाँ जिंदगी में फिर हंसाने। लगाया दिल बहुत, पर जैसा कोई हमको मिला नहीं। लगाया दिल बहुत, पर दिल लगाया।
melodious. Sorry. मैंने सिर्फ मेरा ईयरफोन नहीं, इसका भी ईयरफोन खींच लिया. बट एक्चुअली ये टाइप के गाने मुझे पसंद हैं. बहुत ही वियर्ड है, मुझे ऐसा कोई मैनली सॉन्ग कुछ पसंद नहीं. मुझे ऐसे बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक और ऐसे टाइप के इमोशनल सॉन्ग्स बहुत पसंद है. तो मेरे लिए तो परफेक्ट है ये सॉन्ग. एंड मुझे बहुत ही अमेजिंग लगा नहीं बोलने का तरीका. वो गाने के मतलब हर वर्स के एंड में वो बोल रहा था नहीं नहीं, वो शॉर्ट में बोल रहा था. वो मुझे बहुत अच्छा लगा. हाँ, यूजुअली ऐसा एंड रहता तो इट इज. और वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग था एक्चुअली. गाने से ज्यादा मेरे को वीडियो इंटरेस्टिंग लगा. या कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग था मुझे. बट आजकल के कॉलेजेस में ऐसा होता है, कोई किसी को पसंद करता है, वो पर्सन किसी और को पसंद करता है. इंटरेस्टिंग. आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ स्लाइटली नॉस्टैल्जिक. मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद है. या ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब हमारा कॉलेज इतना ब्यूटीफुल कुछ नहीं था एंड काफी क्राउडेड होता था. Crowded था, beautiful था high college भी. हाँ, मतलब ऐसा red bricks और everything नहीं था. लेकिन campus beautiful था, greenery था. I can say कि it was one of the best from where I belong. मतलब हाँ, मतलब मेरे हमारे आसपास के सब colleges देखे जाए तो I think our college was best. So we are both from same college. Yeah. हम लोग जानते नहीं थे लेकिन एक दूसरे को तभी. Which is very surprising कि कितने साल, 4 साल के बाद भी समझ में नहीं आया. नहीं, हम लोग 5 years तक सेम कॉलेज में थे ना. हाँ, तो टोटली वियर्ड बात है. या सो काफी हाँ, लेकिन इस वीडियो पे बैक वापस आते हैं. मैं ऑलरेडी आ चुकी थी, ये बहुत ही प्लेजेंट सॉन्ग था और मैं डेफिनेटली ये वापस सुनूंगा. लेकिन मैं बहुत रेयरली कोई सॉन्ग सुनता हूँ, ये वापस जरूर सुनूंगा. मुझे एक्चुअली वीडियो भी एक और बार देखना है क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया. हाँ, मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या है, वो क्यों इतनी अपसेट हो रही थी एक एंडिंग में, और वो लड़का भी एकदम हेजिटेट कर रहा था. वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए. मुझे वो अजीब सा लगा, वो लड़के को क्लासरूम में बैठा था, उसको टीचर से प्यार हो गया. I don't think उसे प्यार कह सकते हैं, attraction के नाम correct होगा. क्योंकि सिर्फ outer looks से अगर आपको attraction हो रहा है, उसे सिर्फ attraction कह सकते हैं, like करना बोल सकते हैं, that can't be love. तो हम लोग obviously love experts हैं नहीं. भाई मैं तो खुद को expert ही मानता हूँ. कोई मुझे पूछता नहीं एडवाइस के लिए. अगर आप में से कोई पूछना चाहे कोई एडवाइस, तो मैं डेफिनेटली 1 hour का स्पीच देने को तैयार हूँ. बस मेरे एडवाइस पर कोई एक्शन मत लेना. बहुत ही अनसक्सेसफुल हो गया आप. बट या इट वॉज अ ग्रेट सॉन्ग. वीडियो भी ग्रेट था. बट आई विल लिसन टू इट, आई विल वॉच इट अगेन. और इसके लिए इतना सरप्राइजिंग नहीं है. मैं यूजुअली सब गाने सुनती हूँ वापस. हाँ, पाकिस्तान की काफी सॉन्ग सुनती है, एस्पेशली कोक स्टूडियो के. मुझे इसका सिंगिंग स्टाइल बहुत पसंद है. एस्पेशली वो मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्यों पता नहीं मुझे वो नहीं बोलने का तरीका बहुत पसंद है. क्योंकि मैंने आज तक ऐसा सुना नहीं है. हम जहाँ बिलोंग करते वहाँ नहीं एकदम स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं बोलता. ये एकदम क्यूट वे था, ऑलमोस्ट. हां, और वेरी सॉफ्ट या स्वीट तरीका था बोलने का. दैट्स इट फॉर दिस रिएक्शन. थोड़ा खींच लिया हमने रिएक्शन को, एस्पेशली हमारे बैकग्राउंड के बारे में बात करके. सो दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.